बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मज़ूम खान, और मैं हूँ मज़ूम खान। आपके लिए फिर लेकर आए हैं रोज़ राहु काल, आज फिर लेकर आए हैं राहु काल। आपको पता है कि एक ऐसा ख़ास टाइम होता है 90 मिनट का, जिसको कहा जाता है कि इस ख़ास वक्त में कुछ ऐसे मामलात होते हैं जहाँ पर आपके किए हुए तमाम काम आपको नेगेटिव डायरेक्शंस की तरफ लेकर जाते हैं, या आपके वो काम जो आप करते हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं हो पाते, उनमें कुछ ऐसी गलतियाँ या ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसकी वजह से ज़िंदगी रुक जाती है। यह गलतियाँ होती हैं। कल है 11 सितंबर 2021 और दिन है सैटरडे का। राहु काल का लग रहा है दिन के 9:30 बजे से लेकर 11 बजे दिन के, यानी कि सुबह 9:30 बजे से लेकर 11 बजे तक। तो ये जो 1.5 घंटे का टाइम होगा, आपको इस 1.5 घंटे को हर हाल में अवॉइड करना है, क्योंकि ये 1.5 घंटा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। पहले भी मैंने आपको हर रोज़ बताया है कि वो तमाम काम जिनका कंसर्न डिसीशन से है, वर्बल एक्सप्रेशन से है, कंसल्टेंसी से है, काउंसलिंग से है, लेन देन से है, एग्रीमेंट करने से और कुछ भी ऐसा करने से है जिसका डायरेक्टली कंसर्न ताल्लुकात पर बेस करे या लिखने पढ़ने पर आकर रुके, तो आपके वो तमाम काम आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। सो इसलिए आपको हर हाल में इन सारे टाइम में इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना है। अगर आप इस सारी चीज़ों को अवॉइड करते हैं तो आप डेफिनेटली दिन का आगाज़ बहुत अच्छे से कर सकेंगे, क्योंकि 9:30 बजे से लेकर 11 बजे तक जो टाइम होगा ये बहुत अर्ली है। कल तो पाकिस्तान में क्योंकि इस वक्त कोविड की वजह से एक लॉकडाउन लगा हुआ है सैटरडे को संडे को, तो आप आई थिंक सैटरडे वाला जो टाइम होगा आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप इसको सुबह सुबह थोड़ा सा लेट करके गुजार लें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। सो इसलिए किसी भी सूरत आपको ये टाइम गुजारना है। सुबह गुजारेंगे तो आपके पास सारा दिन पड़ा है, आपकी इवनिंग बहुत अच्छी हो सकती है, आपका दिन सारा अच्छा गुजरेगा। सो हमेशा के लिए इन सारे मामलों को लेकर जब आप देखें तो देखिएगा, और हमेशा के लिए आपको इस बात का ख्याल रखना है कि राहु काल आपको तंग करेगा। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।